हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:44। अभी जस्ट उठा हूँ मैं और अभी हम हैं हल्द्वानी में। आपने लास्ट व्लॉग में देखा हुआ, हम यहाँ पे आए हुए हैं घर देखने के लिए, क्योंकि हम यहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं ना। तो अभी का सीन ऐसा, बाहर हो रही है, इतनी तगड़ी वाली बारिश हो रही है ना कि हम बाहर ही नहीं निकल सकते। अभी फिलहाल होटल रूम पे हम, पीयूष भी अभी सो रहा है, उठा नहीं अभी तक। नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं कब बारिश रुकती है और कब हम निकलते हैं। ये हमने एक सिंपल सा रूम बुक किया था, देखो छोटा सा है, और एक रूम ये रहा। एक रूम में पापा, चाचा और सोनू भी रह रहे हैं, एक में पीयूष और मैं। तो मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ अच्छे से, पीयूष अभी तक नहीं उठा है। फिर उठ जाए यार, ब्रश कर ले और नहा ले। और बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, तो बारिश कम होएगी उसके बाद हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके घर ढूंढने के लिए। जल्दी उठ जाए पीयूष, जाना है, कोई रेस्ट करने थोड़ी ना है अपन यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना, परांठे और दही और अचार, बाकी शायद बारिश रुक चुकी है। तो कैसे लग रहा है पापा जी आपको? बहुत मजा आ गया मेरे को तो। पापा जी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह स्टे किया होटल में। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, तो अब चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। बाकी रात को देख लेंगे, कोई और होटल बुक कर लेंगे या फिर तो भी रहेगा, देखते हैं। चलो, मौसम एकदम मस्त हो गया है। सुबह सुबह तगड़ी बारिश हो रही थी, अब रुक गया है, अब आराम से घर ढूंढेंगे। और रात को हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी थी, और आज हम घूमेंगे चप्पल में सबके सब, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो कीचड़ कीचड़ होगा। कल तो हम सिर्फ दो ही घर देख पाए थे, बिकॉज आए भी थे ना तो काफ़ी लेट हो गए थे। बट आज प्लान है थोड़ा ज़्यादा घर देखने का। बस एक सिंपल सा घर मिल जाए यार हमको रहने के लिए, कोई मेरे को हाई फाई नीचे कुछ नीचे, बस सिंपल, जहाँ पे हमारी फैमिली अच्छे से रह सके जैसे अभी रहती है। लेकिन लेना यहीं पे ही है हल्द्वानी में। आगे सभी के सभी तो अभी हम जा रहे हैं पीयूष के मायके। तो पापा जी अभी मिठाई लेने के लिए गए हुए हैं, इसकी मम्मी का मायके, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, इसको चिढ़ाता हूँ ना। तो पापा जी मिठाई लेने के लिए गए हुए हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं ना यहाँ पे। किसी माइके पहुंच गया, माइके माइके पहुंच गया, किसी माइके पहुंच गया। तो अभी पहली लोकेशन पे आए हैं, पहला घर देखने के लिए आज का, देखते हैं अंदर चल के। तो अभी हम छत पे आए हैं, और छत से व्यू देखो कितना मस्त है, पहाड़ तो बिल्कुल ये रहे, सामने ही पहाड़ हैं भाई साहब, क्या ही व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरे आम के पेड़ ही पेड़ हैं, सब में आम लगे हुए हैं। बाकी नीचे रूम वगैरह अभी नहीं दिखाएंगे, वो जब फाइनल होगा तभी दिखाएंगे, जो भी करेंगे। बाकी पसंद तो आया, पीछे व्यू देखो, छत भी सही है, बड़ी सी है, और गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है, पार्किंग भी फुल है, यहाँ पे पार्क कर सकते हैं नीचे। बाकी सही लग रहा है काफ़ी, गांव जाना हो, पहाड़ पे जाना हो, नैनीताल जाना हो, भीमताल जाना हो, कहीं भी बाइक उठाए कभी भी चल दो, 30-40 किलोमीटर है बस नैनीताल तो, लेकिन संभल के जाना पड़ेगा थोड़ा। तो बिल्कुल ऊपर आ गए भाई साहब, क्या ही व्यू है, और प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं, ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, और ये पहाड़ बिल्कुल पास है गाइस, बिल्कुल कुछ ही कदमों की दूरी पे, सीधी रोड देखो पहाड़ की तरफ जाती है, मज़ा आ जाएगा पीछे ना। एड्रेस लिख कर दो पूरा। तो फाइनल करें इसको, इस घर को, बाकी मम्मी पापा से पूछेंगे। चलो फिलहाल चलते हैं नीचे, रेलिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया है, मज़ा आ गया, आ गया स्वाद, आ गया आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर पे, आज का हमारा लंच वहीं पे है बुआ के घर पे, उसके बाद फिर और घर ढूंढेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरा मकान देखने के लिए। तो ये भी हमारे सब्सक्राइबर ही निकले, मैंने तो देखा है आपको, देखा है, हम घर देखने आए हैं, सब याद है भाई, सब याद है। हल्द्वानी में तो सारे ही सब्सक्राइबर मिल रहे हैं सारे। तो ये कुछ इस टाइप का है, यहाँ से भी पहाड़ी है सामने, सोचा भी नहीं था कि कभी आज ऐसे बड़े यूट्यूबर यहाँ आए। पीयूषी तो घर तो दे दोगे अपना, दे दोगे? तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत सरप्राइज हो गया, मैं मतलब सरप्राइज मैंने कहा है इतने बड़े यूट्यूबर यहाँ हल्द्वानी में, समझ ही नहीं आया कुछ। इस तरह से जब कोई मिलता है ना, मेरा तो दिन बन जाता है, मजा आता है सच्ची। तो अभी आज के तीसरे मकान की तरफ हम जा रहे हैं बुआ के साथ। तो ये क्या हमारा तीसरा मकान, अच्छा ये अभी रेडी हो रहा है, इसमें तो टाइम लगेगा, अभी तो बहुत काम बाकी है इसमें। तो आज का हमारा चौथा घर, चलो। तो गाइस यहाँ पर ओरियो का भाई मिल चुका है हमको, कितना छोटा सा है, क्यूट सा है ये, रेक्सू, क्या नाम है, रेक्सू, रेक्सू, अंदर हमारे सब्सक्राइबर हैं, यहाँ भी हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हमको। जो भी घर लेंगे उसमें ऐसा जरूर करेंगे, हाँ। पूरा प्लांट्स लगाएंगे इस तरह से, पूरे गमले गमले लगा देंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक, तो ये हमारे सब्सक्राइबर जिनका ये घर है,
यहाँ पे मंदिर देखो कितना मस्त बना रखा है, मंदिर के लिए बिल्कुल अलग से रूम है, सही है। तो अभी हम मकान के बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं, यहाँ से मतलब घर देखो कितने प्यारे से लगते हैं, यहाँ पे बिल्कुल शांति। आज चार मकान देख लिए हमने, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और भूख लग रही है, तो बुआ के घर पे चलते हैं और खाना खाते हैं। पहले तो यार तीन घर तो बुआ ने ही दिखा दिए अपने आसपास यहीं पे जो कि हमने देखे। तो फाइनली खाना रेडी हो गया है, टाइम क्या हो गया, 4 बजने वाले हैं, सुबह बस परांठे खाए थे। चलो आजा। तो ये है हमारी बुआ का घर, तो फाइनली खाना आ गया है, दाल चावल सब्जी खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी शाम के बज गए 6:23, खाना खा के जो नींद आई है ना मेरे को, अभी तक मैं सोया हुआ था, बहुत थकान से हो रही, पता नहीं था चल चल के, तो थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया, अब चलते हैं बाहर थोड़ा। और रात को आज हमारा प्लान है शुभम के घर पे रुकने का, पीयूष का और मेरा, तो बाकी पापा जी कहीं और चले जाएंगे। तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हम आए शुभम के घर पे, पीयूष और मैं सिर्फ, पीयूष तो यहाँ पे बैठा है आईपैड में लगा, और मैं एडिटिंग वगैरह करूँगा। फिलहाल घर का जो भी हुआ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, काफ़ी घर देखे आज, थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कंप्लीट। फिलहाल तो बस डिनर करते हैं एक बार और इस व्लॉग को एंड ही करता हूँ। आई होप पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज का हमारा डिनर है शुभम के घर पे, मतलब हम लंच कहीं और कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कहीं और कर रहे हैं, डिनर कहीं और कर रहे हैं, ये फ़ायदा होता है, मौज हो रहे हैं।